जानकारी हो जाए करेंगे। ज्योति के नाम से राधा बहन जी का जीवन गांधीवादी आदर्शों विचारों के लिए हमेशा समर्पित रहा है। स्वर्गीय सुंदरलाल जी बहुगुणा जी के साथ कई दशकों तक आपने कार्य किया और विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण की दिशा में और पर्यावरण संरक्षण के लिए आपने अपना पूरा जीवन आपका समर्पित रहा है। राधा भट्ट जी, राधा बहन जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपके समाज में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जानकी देवी बजाज पुरस्कार, गोदावरी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड, मुनि संतबल पुरस्कार जैसे कई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित पुरस्कारों से आपको पुरस्कृत किया जा चुका है। गांधी जी के विचारों के लिए आपको कोवेटेड नोबेल प्राइज से भी आप नामांकित की जा चुकी है। गांधी शांति प्रतिष्ठान के चेयरपर्सन के रूप में पिछले कई वर्षों तक आपने कार्य करने का अनुभव और जन जन में गांधी जी के विचारों को लेकर के जन चेतना जागृत करने का दायित्व आप बखूबी निभा रही हैं। हमारा सौभाग्य कि आज पर्यावरण गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राधा बहन जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं बड़े आदर व सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करना चाहूंगा राधा भट्ट जी, राधा बहन जी, इस अवसर पर अपनी शोक संवेदना प्रकट करने के लिए। प्लीज अनम्यूट हरसेल्फ। परंतु जो भी है मेरी आशा है मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है। बोलिए। अच्छा, बहुगुणा जी को श्रद्धांजलि देने का मौका हमको मिला, ये हमारे जीवन का कोई अच्छा मौका नहीं है। वे हमारे साथ के पर हमसे वरिष्ठ साथी थे, हमारी टीम के एक व्यक्ति थे। मैं टीम शब्द कहती हूँ परंतु मुझे लगता है सरला बहन ने नाम दिया था उत्तराखंड सर्वोदय परिवार। हमारे परिवार के वो एक वरिष्ठ साथी थे और उन्होंने जो कुछ किया हमने महसूस किया कि हम क्योंकि उनके साथ थे और उनके साथ काम करते थे तो इसलिए जो कुछ उन्होंने किया हमने किया, ऐसा हमारे मन में महसूस होता था। और हम उसी भाव से जो भी अभियान चलता था या जो भी आंदोलन चलता था, जो भी मुद्दा उठाया जाता था, जो भी प्रश्न उठाया जाता था समाज के सामने, सरकार के सामने, वो सब हमको लगता था कि हमारा प्रश्न है, हमारा मुद्दा है, हम बात कह रहे हैं और हम उसके लिए लड़ रहे हैं। एक कहना चाहिए केवल विचार के रूप में नहीं, रचना के रूप में भी और संघर्ष के रूप में भी सुंदरलाल जी ने पूरे जीवन इसलिए भी, जब 10वीं कक्षा में थे तभी संघर्ष शुरू हुआ। 10वीं कक्षा में कोई बालक इतनी सचेतना में हो, इतना उसके मन में भाव हो और उसके विचार में इतनी प्रखरता हो कि वो राजशाही के खिलाफ प्रचार कर दे, वो सुंदरलाल जी में था। और ऐसे व्यक्ति के साथ काम करना जीवन का एक बहुत बड़ा आनंद था। हमको याद है हमारी टीम में, हमारे परिवार में बहुत अच्छे लोग जुड़े, बहुत सारे सरला बहन के कारण जुड़ गए और बहुत सारे सुंदरलाल जी के कारण भी जुड़े। स्वयं सुंदरलाल जी भी सरला बहन के कारण जुड़े। दूसरे एक वरिष्ठ साथी मान सिंह रावत थे, वो भी इसी साल में पीछे
गुजर गए, लेकिन वो भी इसी तरह से जुड़े। और इन लोगों ने अपने जीवन को एक जबरदस्त मोड़ दिया। सुंदरलाल जी सर्वोदय और पर्यावरण के विचार में आने से पहले राजनीति वाले व्यक्ति थे, राजनीतिक दल में शामिल थे और उस छोटी उम्र में ही एक बड़े पद को संभाल रहे थे, एक बहुत बड़े संगठन को संभालने की कोशिश कर रहे थे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जीवन का ये मोड़ कि राजनीति को छोड़, राजनीति जिसमें पदों की लालसा भी है और जिसमें और अधिक स्वयं को आगे बढ़ाने का ही ज्यादा है, उसको छोड़ सेवा के क्षेत्र में आ जाना, सर्वोदय के क्षेत्र में आ जाना, रचनात्मक कार्यक्रमों के कामों में लग जाना, ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। और आपको मालूम ये मोड़ कौन लाया? उनके जीवन में ये मोड़ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विमला बहुगुणा लाई। जब विवाह का सवाल आया, उन्होंने दृढ़ता पूर्वक कहा, मैं शादी तभी करूंगी बहुगुणा जी से जब वे राजनीति छोड़ेंगे। और राजनीति में भी शायद वो व्यक्ति तो प्रखर ही रहता, जाजोल्यमान ही रहता, लेकिन सेवा क्षेत्र को, जनता के हर दुख और दर्द को समझने वाला व्यक्ति तब तैयार नहीं होता। तो अभी बहुगुणा जी जिस जीवन में इतने ऊंचे चढ़े या इतने विस्तृत होकर के फैले, वैसा संभव है कि राजनीतिक दल में वे नहीं किए होते। इसलिए उनके जीवन को बनाने में, उनके जीवन को मोड़ देने में, उनके जीवन को एक नई भूमि पैदा कर देने में विमला बहुगुणा यानी मेरी विमला दीदी का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा जीवन में बहुत भाग्य से ही मिलता है और वह भाग्य भी बहुगुणा जी के साथ था। और जीवन भर किस तरह से व्यक्ति को क्षण क्षण प्रतिक्षण बदलने की बात सामने आती है और व्यक्ति बदलता है, वो एक बहुत रोचक चीज है, बहुत बहुत पावरफुल चीज है। हमने बहुगुणा जी के साथ काम करने में जीवन के बहुत सारे साल लगाए और आखिरी समय तक भी उनसे सीखा ही, उनके संपर्क में भी रहे। वो भले ही स्वास्थ्य की परेशानी के कारण एक जगह पर बंधित जैसे हो गए थे, पर हम फिर भी वहां जाते रहे थे और काम करते रहे थे। हम नदी बचाओ अभियान चला रहे थे पूरे उत्तराखंड में, उत्तराखंड की हर नदी पर साथी लोग जुड़े थे और जगह जगह नदी को बचाने के लिए केवल जनता की बात नहीं, सरकार को भी हिला रहे थे। तब भी मैं उनके पास गई थी क्योंकि उस अभियान का मुख्य दारमदार या उसकी शुरुआत एक तरह से मैंने ही की थी, पर मैंने ही नहीं कहना चाहिए, सब साथियों के साथ ही होता है काम। उनसे पूछा कि अब हम सोचते हैं कि नदियों को बचाने की बात है क्योंकि नदियां इस पहाड़ की, इस उत्तराखंड की 50% नदियां 12 मासी न रह करके केवल बरसाती नदियां हो जा रही हैं। ये आंकड़ा है, ये अध्ययन है
डॉक्टर के एस वाल्दिया का, प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री का, तो इसलिए अभी हमको लगता है कि इस पर कुछ करना ही चाहिए। उन्होंने प्रसन्न होकर के हमको आशीर्वाद दिया, खुश हो गए, कहने लगे ये तो आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, हमने भागीरथी नदी को बचाने की कोशिश की थी, आपने उसमें सहयोग दिया था, आप भी साथ थी, और अब आप पूरे उत्तराखंड की नदियों की बात कह रही हैं, तो ये बहुत ही उत्तम चीज है, ऐसा उन्होंने मुझे कहा था। तो इसलिए हम आखिर तक भी, उनके उम्र के आखिरी पड़ाव तक भी, हम उनसे प्रेरणा भी लेते रहे हैं और उनसे आशीर्वाद भी लेते रहे हैं। ये बात अभी बहुत लोगों ने कहा, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। ये कंप्लीटली जंगल को दूसरी दृष्टि से देखने का नारा है, और ये चीज पैदा की बहुना जी ने। चिपको आंदोलन, ये अवश्य है कि रैणी की महिलाएं, बहादुर महिलाओं ने पेड़ को बचाने के लिए, अपने जंगल को बचाने के लिए एक्शन किया, पर शायद उनका जो संदेश था वो स्पष्ट रूप से बहुगुणा जी ने सुना, औरों ने भी सुना, लेकिन वे इसी बात को लेकर पूरी दुनिया में गए, भारत में घूमे, दुनिया में गए, और सब जगह जाकर के जंगल के प्रति विचार को ही बदलना, जंगल को लेकर के, जंगल का क्या उद्देश्य है, जंगल है क्या, मनुष्य के साथ जंगल का क्या रिश्ता है, मनुष्य के साथ और इस मानवीय सभ्यता के साथ और इस पूरे सृष्टि के साथ, इस पूरी जिसे आप इकोलॉजी कहते हैं उसके साथ, जंगल क्या है, जंगल किस प्रकार से किसी छोटे से एक टुकड़े को, जहां पर दो चार पेड़ हैं, आप जंगल केवल इतना ही नहीं है, आप कहें कि इस जंगल में इतनी लकड़ी है, इस जंगल में इतनी पत्तियां हैं, ये भी नहीं है, ये सब अधूरा है। जीवन के आधार के रूप में जंगल को सामने लाने का काम एक बहुत बड़ा परिवर्तन था पूरी दुनिया में। मुझे याद है मैं भी चिपको आंदोलन के संदेश को लेकर के बहुत से देशों में गई थी। स्वीडन में एक बहुत प्रसिद्ध लेखिका वहां की, और साथ ही साथ जो वहां एक्टिविस्ट भी थी और विशेषतः पर्यावरण के संबंध में, तो उस व्यक्ति को मंच पर आकर के ये कहते हुए मैंने सुना, मेरे सामने भी कहा व्यक्तिशः, पर जनता के सामने भी कहा कि हम हिमालय के उन महिलाओं और उन एक्टिविस्ट को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी आंखें खोली और हमें जंगल को देखना समझना सिखाया। सारा लिडमैन ये बात कहती थी, और हमारी ही तरह वहां की एक बहुत बड़ी बस्ती में और बहुत सारे छोटे शहरों में मिल करके एक जंगल को बचाने का प्रयास हो रहा था, और समझ रहे थे वो कि किस तरह से चिपको की स्टाइल पर हम इस जंगल को बचा सकते हैं। इसलिए वो जंगल के प्रति दृष्टि को बदलना एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है जो बहुगुणा जी के अभिक्रम से आगे बढ़ा और जिसके लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित भी किया। उन्होंने विकास की भी नई दिशा दी, केवल छोटी आधी अधूरी बातें नहीं, एक समग्र दृष्टि। अब देखिए, अभी हम
हमारे देश में और दूसरे देशों में भी कितना ज्यादा सोच है कि ऊर्जा बहुत होनी चाहिए, बिजली पैदा होनी चाहिए, बिना इसके विकास नहीं हो सकता, विकास रुक जाएगा। उन्होंने विकल्प दिया, बहुगुणा जी ने कहा, और केवल विकल्प एक वैज्ञानिक विकल्प दिया, पर वो वैज्ञानिक विकल्प लोगों की आम भाषा में दिया, लोगों की लोक भाषा में दिया। उन्होंने कहा धार ऐंच पानी थाल पर डाला, बिजली बनावा खाला खाला। ये इतनी बड़ी चीज थी, ये है अभी भी, और ये अभी उनका सपना हम लोग पूरा नहीं कर रहे हैं। अभी भी हमारी नजर है कि पंचेश्वर बांध बनना चाहिए, अभी भी हमारा हमारी सरकारें हैं या हमारे जो प्लानर्स हैं, हमारे जो विकास के कर्णधार हैं, वो लोग यही सोच रहे हैं कि सबसे क्या कहना चाहिए कि बहुत से शुद्ध ऊर्जा जो है वो तो नदी से है, पानी से है, लेकिन किस तरह से छोटे छोटे पानी के स्रोतों से बिजली बना करके उसको एक वैकल्पिक और एक बिखरा हुआ, एक बहुत फैला हुआ स्वरूप दिया जा सकता है जो पूरी तौर पर गांधीयन सोच में है। वो गांधी जी के विचारों से ही प्रभावित होकर के बहुगुणा जी ने सबके सामने पेश किया, और हर आखिर तक के उनके भाषणों में उस बात को वो जरूर कहते थे। कहते थे ऊर्जा के लिए नदियों को बांधने की, पहाड़ों को काटने की, सुरंगें बनाने की कोई जरूरत नहीं है, इसके लिए हम भी वर्षों 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 संघर्ष करते रहे कि नहीं, इसकी जरूरत है। आप छोटा सा गधेरे पर एक छोटा सा ऊर्जा का प्लांट लगा सकते हैं, और उस गांव को केवल प्रकाशित ही नहीं करेंगे, केवल बिजली ही नहीं देंगे, बल्कि काम करने के लिए, रोजगार को पैदा करने के लिए शक्ति भी देंगे, ऊर्जा देंगे, और छोटी छोटी मशीनें चला करके एक ऐसा समाज बनाएंगे जो स्वतंत्र होकर के अपने स्थान पर रह करके भी अपनी वस्तुओं की आवश्यकता को पूरी करेगा और समाज के अन्य लोगों के लिए भी वस्तुओं को पूरी करेगा। ऐसा दृष्टिकोण गांधी जी का कल्प का ग्राम स्वराज्य था, और उस ग्राम स्वराज्य को हम उत्तराखंड में कैसे कर सकते हैं, ये बता रहे थे बहुगुणा जी, और साधारण सामान्य आम जन की भाषा में। उस ओर अभी तक भी मुझे नहीं लगता कि किसी ने बहुत काम किया है। हम बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम कहाँ इसको कर रहे हैं। इसलिए हम अभी भी बहुगुणा जी को अगर याद करते हैं, बहुगुणा अमर है, बहुगुणा अभी भी है, जीवित है, जब तक हम इन कामों को करेंगे उसको जीवित रखेंगे, और अगर हम चाहेंगे तो हम अपने आप ही अपने प्रिय व्यक्ति को और अपने नेता को या अपने आदर्श व्यक्ति को दफना देंगे। तो इसलिए मैं ऐसा मानती हूँ कि ये वैकल्पिक ऊर्जा का जो बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा काम है, वो काम आज भी करने की जरूरत है, और वो दृष्टि हमको बहुगुणा जी ने दी। एक जीवन और मिला होता बहुगुणा जी को तो वो करके दिखा देते, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसे नहीं थे कि केवल विचार करेंगे, केवल भाषण देंगे, ऐसे नहीं थे। वो जो बात मन में पक्की होती थी वो तुरंत दूसरे दिन उसको शुरू कर देते थे। लोग कोई आए नहीं आए, वो व्यक्ति अकेले चल देते थे, लेकिन फिर आते थे लोग आते थे, लोग जुड़ते थे, क्योंकि वो सही बात होती थी, वो सत्य होता था
जिस विचार के लिए, जिस संदेश के लिए वो घूमते थे, वो चलते थे, वो बैठ जाते थे, वो अनशन उपवास कर देते थे। लोग इकट्ठा होते थे, आते थे, ऐसा नहीं कि नहीं आते थे, लेकिन शुरुआत करने का जो मादा था वो बहुगुणा जी में अद्वितीय था और इतना अधिक था कि कभी कभी लोगों को लगता था अरे हमको तो पता ही नहीं कहाँ कब कर दिया उन्होंने ऐसा, इस तरह की स्थिति होती थी। और तीसरी बात है जो उन्होंने पर्यावरण को जन जीवन से जोड़ा, आम लोगों के जीवन से जोड़ा। पर्यावरण देखने की चीज नहीं, पर्यावरण केवल आनंद मनाने की चीज नहीं, सौंदर्य देखने की चीज नहीं, वो जीवन की रोज रोज की रोटी, रोज रोज का कपड़ा और रोज रोज का घर इसके लिए है, रोज रोज का आश्रय इसके लिए है। इस तरह का सिद्धांत तो नहीं कहना चाहिए, पर जीवन शैली लाने की कोशिश बहुगुणा जी ने की। और मैं ऐसा मानती हूँ कि हम और बहुत बातें कर सकते हैं, लेकिन हम बातें करके क्या करेंगे, हमको तो करना चाहिए, हमको तो धरातल पर पैदा करना चाहिए काम, और लोगों के अंदर पैदा करना चाहिए, लोगों के मन में बैठना चाहिए। और अगर ऐसा हम नहीं करते तो बोलने से भी बहुत फायदा तो नहीं होगा। इसलिए मैं सोचती हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया और इसमें मैं जो कुछ मुझे थोड़ा बहुत समझ में आता है वो मैंने बातें की, और मैंने सचमुच में मेरी बहुत प्रिय मित्र हैं बिमला दीदी, जिन्होंने बहुगुणा जी और बिमला दीदी का एक ही पुरुषार्थ है। एक बार की बात है, जब सरला बहन कुछ सालों के लिए उत्तराखंड छोड़ करके चली गई थी, हमारे सामने कोई समस्या आई, मैं लक्ष्मी आश्रम का संचालन कर रही थी, कोई समस्या आई और मैंने बहुगुणा जी को कहा कि आप इसमें मदद कीजिए, आप तो हमारे परिवार के सबसे वरिष्ठ हैं। तब बड़ा मुंह लटका के कहने लगे, राधा बहन मैं तो परिवार में कभी रहा नहीं, मेरा तो परिवार पारिवारिक भाव भी कुछ विशेष नहीं, ऐसा ऐसा कहने लगी। ऐसा कहने वाला व्यक्ति कारुण्यपूर्ण हो सकता है, करुणा से भरा हुआ हो सकता है, ये किसने बनाया? ऐसे व्यक्ति में करुणा को पैदा करना, करुणा को एक प्रवाह देना, करुणा को जीवन की दृष्टि देना, ये सर विमला दीदी ने किया। थोड़ी सी जो रुक्षता थी पहले के जीवन में अकेले रहने की, उसको मुलायम करना, उसको लोगों के जीवन के साथ भी जोड़ना, और इतनी करुणा पैदा करना कि पेड़ कटता है तो भी उनके दर्द होता है, इस तरह की करुणा का भाव उनके अंदर पैदा करने का काम, जीवन को उस तरह का रुख देने का काम बिमला दीदी ने किया। और मैं मानती हूँ कि वो बहुत भाग्यशाली हैं कि एक ऐसा प्रखर व्यक्ति, एक ऐसा संघर्षशील कर्ममय आदमी, एक ऐसे व्यक्ति के साथ उनको जीवन जीने का मौका मिला, और उन्होंने बहुत योग्यता के साथ, बहुत हिम्मत के साथ और बहुत अपने व्यक्तित्व को लेकर के इसको जिया है। और उसके लिए हम कभी भी जितना ज्यादा बहुगुणा जी के आभारी हैं, हम उससे भी ज्यादा बिमला दीदी के आभारी हैं, एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे संदेश को, एक ऐसे परिवर्तनकारी विचार को और जीवन के परिवर्तनकारी कार्य को इस धरती पर लाने का काम बिमला दीदी का भी है और बहुगुणा जी का भी है। मैं बहुगुणा जी को अपने श्रद्धा समुन अर्पित करते हुए अपनी बात पूरी करती हूँ, और आप सबको दून विश्वविद्यालय को बहुत धन्यवाद देती हूँ, श्री हर्ष डोभाल को बहुत आभार मानती हूँ कि उन लोगों ने
मुझे भी इसमें शामिल होने का मौका दिया और मुझे कुछ बोलने का मौका दिया। मैं अब बड़ी उम्र होने के कारण बहुत सब तारतम्यपूर्ण स्मृतियां मेरी नहीं रही हैं, लेकिन फिर भी मैंने जो कुछ भी कहने की कोशिश की है, दिल से कहने की कोशिश की है, इसको आप सब लोग समझे होंगे। आप सबको बहुत धन्यवाद। बहुत